जो लोग एडिनो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। ये वीडियो कभी भी मिस मत करना, वीडियो का एंड तक देखना। बहुत ही अच्छा चीज़ आप सीखने के लिए आज आपको मिलने वाला है। ओके, देखो जब भी आप कोई कोडिंग करते हो एडिनो का, या मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप उस कोडिंग को टेस्ट करो कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। अब उसके लिए ज़रूरी है कि अगर मैं ब्लूटूथ का कोडिंग बता रहा हूँ एडिनो के साथ, तो फिर आपको एक एडिनो बोर्ड चाहिए होगा, एक ब्लूटूथ का मॉड्यूल चाहिए होगा, हो सके आपने वो अभी तक नहीं खरीदा हो, तो फिर आप क्या एडिनो प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ के अभाव में आपको कोई चीज़ सीखने से नहीं रुकना चाहिए। हर चीज़ का ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। वही ऑप्शन मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखो, एक तो होता है प्रोटीएस सॉफ्टवेयर, आपने सुना होगा नाम। वहाँ पे आप तरह तरह के सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो, एडिनो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, फिर आप कोड अपलोड कर सकते हो वहाँ पे, और फिर सिमुलेट यानी कि रन करके देख सकते हो कि आपका पूरा पूरा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन फिर आपको प्रोटियस इंस्टॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि किसी किसी का सिस्टम में रैम वगैरह का इशू होता है, या हो सके वो प्रोटियस बहुत कम यूज करते होंगे तो नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आप एडिनो कभी कभी सीखते हो, तो इस तरीके का अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप प्रोटियस इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक ऑनलाइन टूल है जहाँ पे आप इंटरनेट, अगर आपके पास डाटा है तो फिर आप ये काम कर सकते हो। मतलब कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हो और उसको रन करके देख सकते हो कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है टिंकर कैड। मैं बता दूँ कि कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। टिंकर कैड सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे पहला वाला लिंक क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का चीज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे साइन इन पे जाना। मैं ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली कर लेना साइन इन विथ गूगल, जैसे आप बाकी जगह पे लॉग इन करते हो। तो यहाँ पे जैसे ही साइन इन विद गूगल करोगे, आपके सामने एक पॉपअप आएगा। अगर आपने पहले ही इस ब्राउजर पे कभी भी जीमेल में साइन इन किया होगा, तो जितने भी जीमेल से आपने साइन इन किया होगा वो लिस्ट आपके सामने आएगा। आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना जिससे भी आप लॉग इन करना चाहते हो, और फिर आप उससे लॉग इन कर सकते हो। अगर आज तक आपने लॉग इन नहीं किया होगा तो फिर आपको वहां पे ईमेल और पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपना जीमेल और पासवर्ड डाल देना। ओके, तो चलो मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही आप साइन इन करोगे आप अपने डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, तो ये आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे देखना, इस जगह पे आपको सर्किट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे जाओ। उसके बाद अगर पहले से कुछ है तो आप इसको रहने दो, या तो फिर डिलीट कर दो। ये वो हिस्ट्री आता है कि आपने पहले क्या क्या किया है, तो वो सारे सर्किट यहाँ पे आपके सेव हो जाते आते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे नया है। अब यहां पे करना क्रिएट न्यू सर्किट। क्रिएट न्यू सर्किट जैसे ही करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो यहां पे आपको जो भी कंपोनेंट चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, वो अवेलेबल है। जैसे कि मैं सर्च करता हूं ब्रेडबोर्ड, तो देखो आ गया ब्रेडबोर्ड तरह तरह के। मैं सर्च करता हूं एलईडी, तो देखो एलईडी भी आ गए। मैं सर्च करता हूं बटन, तो देखो बटन भी आ गया, और भी इस तरीके से। तो हमारा तो मेन चीज़ होता है ना एडिनो, क्योंकि हम एडिनो का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो एडिनो भी अवेलेबल है। अब इसको उठा के इधर लगा दो, देखो आ गया। अब एक सिंपल सा जो हम करते हैं एलईडी ब्लिंक्स का, वो चीज़ अभी यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक एलईडी ले लेना है। सॉरी, इसको उठा के इधर लगा दो। एलईडी का कलर भी है, अब जो कलर चाहो, मैं तो रेड ही रखने वाला। तो अभी ये जो बड़ा वाला जो पिन है एनोड, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आपको पता है, तो इसको मैं 13 से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने 13 से कनेक्ट कर दिया, और ये एक ग्राउंड से। ओके, ये हो गया। अभी आप चाहो तो वायर का कलर चेंज कर सकते हो, मैं एक को ब्लैक कर देता हूँ, ये हो गया। और इसको मैं रेड अगर करना चाहूँ तो कर दे सकता हूँ।
चलो ये अभी सही है। अब इसका कोड में जाना। अभी यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का चीज़ दिख रहा है। देखो ये तो उनके लिए जिनको कोडिंग नहीं आता, भैया हम तो कोडिंग सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट में जाएंगे, पूरा का पूरा प्योर कोडिंग हम लोग करेंगे। ओके तो देखो आपको बिल्कुल उसी तरीके का चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे एडिनो का प्रोग्रामिंग कर सकते हो इस सर्किट के लिए अभी करना है। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला कोड आपको देखने को मिलेगा। ओके अगर आप चाहते हो कि इसके जगह पे 13 के जगह पे कोई और पिन लिए होते तो फिर यहाँ पे चेंज किए होते तो फिर यहाँ पे 13 की जगह कुछ और कर देते, या पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये कोड लिखा हुआ आता है। ओके तो आप यहाँ पे करना स्टार्ट सिमुलेशन, क्योंकि हमने तो 13 नंबर को ही यूज किया है। तो यहाँ पे आप करना स्टार्ट सिमुलेशन, ये मैंने कर दिया। अभी देखो ये LED ब्लिंक्स होगा, देख रहे हो। तो ये बढ़िया है। अभी हम लोग जितना भी नेक्स्ट वीडियो से जितना भी हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना Arduino का, वो हम लोग यहीं पे सर्किट डिजाइन करेंगे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे और कोडिंग करके रन करके देखेंगे कि वो एग्जैक्टली काम कर रहा है कि नहीं। और मैं बता दूं कि अगर आप इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले इस तरह का सॉफ्टवेयर में आप डिजाइन करके रन करके देख लो कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, फिर जा करके आप उसको रियल में करो। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो मिस्टेक होता है, कभी कभी कुछ गलती हो जाता है जिसकी वजह से हमारा कॉम्पोनेंट खराब हो जाता है, या सपोज कि हमने सोल्डिंग वगैरह सारा कुछ कर दिया, अब पता चला कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, कनेक्शन गलत है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ पे सारा चीज़ कनेक्शन कर लो ना, उसके बाद आप रियल में जाकर के सेम इसी चीज़ को कनेक्ट करो। तो सर्किट यहाँ पे डिजाइन करेंगे, कोडिंग यहाँ पे करेंगे, पहले रन करके देख लेंगे काम कर रहा है कि नहीं, फिर हम लोग रियल में प्रोजेक्ट करेंगे। ओके ये सीक्वेंस है। तो देखो यार मैं ये चीज़ लेकर के आया, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट हो अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो। ओके थैंक यू।